हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को दूध सागर फॉल्स तक कैसे पहुंचे ये जानने के लिए देखने आए हैं, तो भाई सीधा आप लोग 6 मिनट से वीडियो को शुरू कर सकते हो। वहां से मैंने डिटेल में समझाया कैसे आप लोग दूध सागर फॉल तक पहुंच सकते हो। बाकी जो लोग इस जर्नी को एंजॉय करने चाहते हो मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मज़ा बहुत आने वाला है। जर्नी काफ़ी कमाल के रही है गोवा एक्सप्रेस की। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मैं हूं फिलहाल वास्को डी गामा में और आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं गोवा एक्सप्रेस में। माफ़ करना, एक और बार ये जर्नी रिपीट हो रही है, लेकिन मेरा आज टिकट था पूर्णा एक्सप्रेस में जो कि एर्नाकुलम से पुणे के बीच में चलती है। मेरा टारगेट था कि उससे आपको डे सेक्शन पूरा दिखा पाऊंगा, बेलगाम, मिराज, सतारा, सांगली, सब कुछ। लेकिन भाई दिक्कत ये हुई कि ट्रेन क्लाउड बर्स्ट के कारण भट्टल में ही खड़ी है और 7 से 8 घंटे से ज़्यादा का डिले हो गया ट्रेन में। भाई यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम की, जहाँ पे ऐसा हो। उसके बाद मैंने उसका TDR फाइल कर दिया, लेकिन करंट में लकीली हमें गोवा एक्सप्रेस की टिकट मिल गई पुणे तक। तो आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं गोवा एक्सप्रेस में वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन, छोटा सा प्यारा सा एक एंडिंग स्टेशन है इस कोस्टल रीजन का। तो आज के इस वीडियो में आपको वास्को डी गामा से निकलकर थोड़ा गोवा का कोस्टल रीजन, मडगांव पहुँचेंगे, उसके बाद कुलेम से लेकर दूध सागर तक का रीजन बहुत ही अच्छे ढंग से देखने को मिलेगा। फिर भाई हमारा होगा लोंडा में रिवर्सल, शायद एक इसमें लिंक कोस्ट लगाए जाते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग क्या होता है। उसके बाद बेलगाम होते हुए हमारी जर्नी पुणे तक की होने वाली है। तो जल्दी चलते हैं, ट्रेन का इंटीरियर आप लोग देख लीजिए, फूड का रिव्यू भी करेंगे, इस जर्नी का रिव्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस ट्रेन को प्रेफर करते हैं गोवा घूमने आने के लिए, क्योंकि एक डेली ट्रेन है। गोवा एक्सप्रेस तो काफ़ी साफ़ सुथरी लग रही है। वैसे आज हम लोग इसके इसी 2 टीयर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख लो इसकी साफ़ सफाई जो है काफ़ी बढ़िया है। बाकी चार्जिंग सॉकेट एक ही दिया हुआ है, ये चीज़ बुरी लग रही है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो साफ़ सफाई बढ़िया है और यहाँ पर ब्लैंकेट्स वगैरह मिल रहे हैं, तो अपनी नाइट जर्नी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वास्को डी गामा, यहाँ बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन जो है वो वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन से चल चुकी है। कहीं यहाँ तो नहीं आया था यूरोप से वास्को डी गामा, इसी जगह के आसपास तभी इस शहर को कहते होंगे वास्को डी गामा। खैर, ये गोवा की तरफ जा रहे हैं तो ये वेस्ट इंडिया में है, तो देखते हैं आज ये क्या शाहकार नज़ारे। पर ये नाम मेरे फर्स्ट टाइम सुन रहा है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है। इससे पहले सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि वास्को डी गामा कौन है, पहला यूरोपी जो समुद्री रास्ते से इंडिया पहुंचा। लेकिन यहाँ तो अब नज़ारे ही बड़े शानदार हैं। वेस्ट तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है, वेस्टर्न घाट तो ईस्टर्न घाट से भी ज़्यादा बड़े बड़े हैं और ख़ूबसूरत हैं। और यहीं पे इंडिया की एक खूबसूरत और बेहतरीन रियासत गोवा, उसी तरफ जा रहे हैं शायद। बड़ी तगड़ी रियासत है, वैसे तो छोटी सी रियासत है, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को लेके। ये कोई स्टेशन आ भी गया, लगता है ऐसा कि कुछ देर पहले ही बारिश हुई है, हर चीज़ इतनी साफ सुथरी है। मॉनसून तो बहुत मेहरबान होता है वेस्ट के इस हिस्से पे। दोस्तों, यहाँ अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है मडगांव जंक्शन। जंक्शन से इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन वास्को वाली, जिससे अभी हम लोग आ रहे हैं, दूसरी दिल्ली वाली जो कि मुंबई होते हुए दिल्ली जाती है, तीसरी लाइन यहाँ से अलग होती है साउथ बाउंड लाइन जो कि उडुपी कोझिकोड होते हुए त्रिवेंद्रम की ओर बढ़ जाती है। वैसे जो दिल्ली से जो साउथ बाउंड ट्रेन से जो कोस्टल रीजन से आती है ना, वो सभी ट्रेनें वास्को नहीं जाती, क्योंकि वो एक आखिरी स्टेशन है। वो मडगांव होते हुए अपने सफ़र की ओर निकल जाती हैं और मुंबई वाली ट्रेन भी नहीं जाती। और हम लोग बढ़ने वाले हैं आज दूध सागर वाली लाइन की ओर, जहाँ पर आप लोग दूध सागर वाटरफॉल देखेंगे। काफ़ी खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है मडगांव का, और बारिश हुई है तो और भी खूबसूरत लग रहा है। और मज़ा इसलिए ज़्यादा आने वाला है क्योंकि अगर बारिश हुई है ना तो दूध सागर फॉल पे बहुत पानी मिलने वाला है। वैसे गोवा एक्सप्रेस के खाने पीने की भी काफ़ी तारीफ सुनी है, तो आज मौका अच्छा है इसे रिव्यू कर लेते हैं। चलिए, दूध सागर, सागर समुद्र को कहते हैं दूध। देखते ही देखते 10 मिनट के हॉल के बाद हम लोग मडगांव जंक्शन से भी चल चुके हैं, यानी कि कोई दूधिया सा वाटरफॉल होगा सफ़ेद सा, नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। बाकी सत्या भाई दिखाएंगे तो ज़रूर देखेंगे शानदार नज़ारे को, क्योंकि आजकल गुड्स ट्रेन दिख रही है, वहीं से साउथ वाली लाइन जो है वो अलग हो जाती है। खैर, ये गुड्स ट्रेन बीच में आने वाली, इसलिए मैंने सोचा पहले ही आपको बता दूं। आजकल इंडिया की खूबसूरती देखी जा रही है और एक से एक नज़ारा देखने को मिलता है। हर अगली वीडियो हर पिछली वीडियो से ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है, और फिर हर वीडियो में कहना पड़ता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरती पहले नहीं देखी। पर क्या करें, ये हकीकत है।
ज़बरदस्त है गोवा एक्सप्रेस, अच्छे रास्तों से गुजरती है। क्या शानदार नज़ारे, जंगल के अंदर से कोई दरिया बहता हुआ, ज़बरदस्त। हेलो फ्रेंड्स, डिस्टर्ब ने विनती करनी है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें, और हाँ इस वीडियो को भी लाइक कर दें, धन्यवाद। भाई अपनी गोवा एक्सप्रेस को वड़ा पाव ट्राई किया जाए, कैसे? दो ही बहुत है ना, मुंबई के आसपास है तो वड़ा पाव तो फिर लाजम सी बात है। ट्रेन के वड़ा पाव तो काफ़ी टेस्टी है। वैसे लोकेशन बहुत ही कमाल की है कुलेम की। हर बार जब भी मैं यहाँ पे आया हूँ ना, लगातार बारिश होती रहती थी। आज पहली बार है कि बारिश यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ से जो अपना मेन सेक्शन है ना दूसरागर का, वो शुरू होता है। कभी कभार अगर आप लोग बिना गाइडेंस के आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रैवल गाइड मिलेंगे, जो कि आपको ट्रेन से उतार के बाई वॉक, बाई जीप और भी अलग अलग साधनों से दूधसागर तक लेकर जाएंगे। पर आज के इस वीडियो में मैं आपको एकदम शॉर्टेस्ट रूट बताने वाला हूँ, कैसे आप अपनी दूधसागर वाटरफॉल की ट्रिप को पूरा कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग गाइड वगैरह के चक्कर में फंसोगे तो ज़्यादा पैसे आपकी जेब से चले जाएंगे। निकलते निकलते भी अपने को थोड़ा टाइम तो हो चुका है, लेकिन आज पहली बार ऐसा है कि बारिश नहीं मिली, तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा है। बाकी देखते हैं दूधसागर में कितना पानी है और टनल्स वगैरह में हमें पानी मिलता है कि नहीं। इस तरह गाइड्स कुछ गलत भी तो कर सकते हैं कि किसी नए बंदे को किसी और तरफ ले जाएं, इस तरह थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। बाकी यह तो बिल्कुल घने जंगलों में ही जा रही है, तो देखने के लिए मैं भी अब बेचैन होता जा रहा हूँ कि दूध सागर कैसी शानदार जगह होगी, कैसा शानदार वाटरफॉल होगा। और टनल्स की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, और एक गुप अंधेरे वाला टनल। बारिश की वजह से हर चीज़ इतनी स्लिपरी हो जाती है। ओ माई गॉड, मुझसे रहा नहीं जा रहा कि मैं ये रिपीट करूं कि इससे ज़्यादा खूबसूरती वाकई नहीं देखी। ये जंगल बहुत ज़्यादा घना दिखाई दे रहा है। जा बजा टनल आ रहे हैं, पिछली जनवरी में तो 28 टनल गुजरे थे, विशाखापट्टनम से रुकू वैली गए थे जब। तो यात्रा शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद हमको पहले दर्शन दूधसागर के हुए, इसी में ये काफी कमाल का लग रहा था। इतना और अब दूधसागर के पास पहुंचने की जो एक्साइटमेंट थी वो तो बढ़ती ही जा रही थी, और साथ में उससे पहले भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे थे। ये तो सच में बहुत बड़ी वाटरफॉल और बहुत ही अमेजिंग नज़ारा है। अब तो मेरी बेचैनी और बढ़ रही है दूधसागर को देखने के लिए। ये टनल्स ख़त्म होंगे तो फिर ही दूधसागर पहुंचा जाएगा। ओ माय गॉड, इससे बड़ा वाटरफॉल आज तक किसी जर्नी में नहीं देखा। फिर से आएगा ये नज़ारा कि गुजर गया। टनल से निकलने का जो एक्सपीरियंस है ना, ये अलग ही मज़े हैं भाई इसके। वाओ, पहाड़ों से देखिए कैसे चट्टान से पानी बह रहा है। और इतना ही नहीं, दूसरी तरफ मौसम बहुत ही कमाल का हो रखा है। ये सारी मौसम की ही बारे हैं, ये खूबसूरती, ये ग्रीनरी। लेकिन यार बारिशें बहुत होती हैं, वाकई इंडिया में बहुत बारिशें होती हैं, खसूसन ये जो समुद्र किनारे इलाके हैं। ज़बरदस्त, ये तो मुंबई पुणे से मिलता जुलता ही हो गया। शायद ये रास्ता भी वही हो, क्योंकि कह रहे थे शुरू में कि पुणे की तरफ भी जाते हैं। दोस्तों ये है दूधसागर हॉल्ट रेलवे स्टेशन, जो कि जस्ट दूधसागर वाटरफॉल के बाद आता है। तो अगर आप लोग थर्सडे के दिन अपनी जर्नी को प्लान कर रहे हो ना, तो आपको अमरावती एक्सप्रेस मिल जाएगी, जो कि सुबह सुबह गोवा से चलती है 7 बजे करीब। तो भाई उसी हिसाब से अपनी जर्नी को अकॉर्डिंगली प्लान कर लेना, वो यहाँ पे आपको छोड़ देगी 1.5 घंटे में गोवा से, मड़गांव रेलवे स्टेशन से। उसके बाद यहाँ पे घूमो फिरो और 11:30-12 बजे तक आपको वापसी की अमरावती मिलेगी। यानी कच्चेगुड़ा से भी एक आती है उसका पेयर, उसमें लिंक होकर के आता है, तो वो आपको वापसी के लिए मिल जाएगी, जो कि गोवा आपको शाम तक छोड़ देगी। लेकिन पूरा दिन आपको यहीं पे बिताना, तो अपने साथ स्नैक्स वगैरह, खाने पीने की सामग्री सब लेकर के आना। और बाकी यहाँ से दूधसागर जो फॉल है वो लगभग 1.5 किलोमीटर है, बीच में एक टनल आती है, सेफली उसे पार करना है और फिर आप पहुँच सकते हो दूधसागर फॉल तक। तो भाई स्टेशन का याद रखना, दूधसागर हॉल्ट। बाकी नज़ारे देखो कितने खूबसूरत हैं यहाँ के।
बहुत ही खूबसूरत है। देखो यहाँ पे कितने सारे लोग उतरे हैं और धुंध ही धुंध ऊपर, बहुत ही घना जंगल है पहाड़ों पे। अब वाटरफॉल दोबारा आएगी कि गुजर गई, सस्पेंस ही बन गया। क्या बात है, ओह माय गॉड, ये बहुत ही घना जंगल है और बहुत ही विशाल है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दरख्तों ने पूरे पहाड़ों को छुपा रखा है। वेस्टर्न की ब्यूटी तो आज कमाल की नज़र आ रही है। ज़बरदस्त है, टनल यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हैं, कुछ छोटे तो कोई बड़े। पहाड़ों को चीर कर ये रास्ते बनाए गए हैं और ये कितना ख़तरनाक पुल दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, इसके ऊपर से गुजरना कितना खूबसूरत एहसास होगा। ये तो बिल्कुल अमेज़न लग रहा है, बहुत ज़्यादा घना है। फिर से टनल आ गया, ये टनल, ये बारिशें, ये पुल, ये विशाल पहाड़, जवाब नहीं खूबसूरती का। कर्नाटका यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। लोकोमोटिव्स की जरूरत इसके आगे घाट सेक्शन में नहीं है, तो अब यहाँ पे इन लोकोमोटिव्स को अब हटा दिया जाएगा ट्रेन से। इसे थैंक्स अ लॉट फॉर द सर्विसेज। कर्नाटका का यहाँ से आगाज हो जाता है। क्रिस्टल रॉक, इंडिया में रेलवे बहुत दूर दूर तक बिछाई गई है, बड़े मुश्किल और दूर दराज रास्तों तक। बड़ी बात है ये कि ट्रांसपोर्टेशन को इंडिया के कोने कोने में। इसी के साथ अपनी ट्रेन पहुंच की है कैसल रॉक रेलवे स्टेशन। ब्रिगांजा घाट का जो सेक्शन है वो कुलेम से कैसल रॉक का लगभग 26 से 28 किलोमीटर का एक घाट सेक्शन है, इसमें मज़ा बहुत आता है। जब 1987 में ट्रेन को चलाया गया था तब वास्को से मिरज तक ट्रेन मीटर गेज ट्रैक्स में चलती थी और मिरज से आगे निज़ामुद्दीन तक ब्रॉडगेज ट्रेन चलती थी, इसलिए यात्रियों को ट्रेन चेंज करनी पड़ती थी मिरज में। लेकिन कमाल की बात यह है, खूबसूरत से मीटर गेज ट्रेन के इंजन और ये छोटे छोटे डिब्बे सूट में बहुत ही कमाल के लगते होंगे। खैर वो एक्सपीरियंस तो अभी हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ब्रॉडगेज गो एक्सप्रेस भी काफ़ी कमाल के रूट को कवर करती है। व्यू से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मज़ा आया होगा। वैसे अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और साथ साथ इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम द ट्रेन गुरु, क्योंकि जब आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो भाई अपने को सपोर्ट मिलता है। वाटरफॉल का नज़ारा इतना महदूद क्यों था? मेरा तो ख्याल था काफ़ी देर दिखाई देगी क्योंकि दूर से तो बहुत विशाल लग रही थी, लेकिन चलें ये ट्रैक बदलती ट्रेन का भी नज़ारा शानदार है। गो एक्सप्रेस का कर्व भी लाजवाब है और इन पहाड़ों पर बल खाती ट्रेन खूबसूरती को बढ़ा रही है। अभी से अपनी ट्रेन गुजर रही है, मतलब कीड़े मकोड़ों की आवाज़ भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर सुनाई दे रही है। इसी के साथ पहुंचने वाले हैं जल्दी लोंडा जंक्शन, बताऊंगा आपको जंक्शन क्यों कहते हैं, साथ साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें ट्राई की जाएंगी। एक और चीज़ ये कि इसमें इसका लिंक हिस्सा अब यहाँ पर लगने वाला है। गोवा में एक हुबली से आने वाला लिंक हिस्सा जोड़ा जाता है, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ लोंडा जंक्शन पे। जंगली हयात की, वाइल्ड लाइफ की आवाज़ें, वो भी अपनी खूबसूरती है। ऊपर वाले ने सारों को जगह दी है इस धरती पे। क्या अमेजिंग एहसास है। ये जो लाइन है ना, ये अभी आ रही है बेलगाम से हुबली की ओर, इसलिए लोंडा को जंक्शन कहते हैं और बेलगाम हुबली वाली लाइन मिलते हैं। शाम हो गई और ऐसी खूबसूरत शाम बहुत ही कम देखने को मिलती है। यहाँ पे अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है लोंडा जंक्शन, फाइनली 6:35 का अपना अराइवल टाइम था।
7:05 हो चुका है, लगभग हाफ एन आवर के डिले के साथ हम लोग लोना जंक्शन पहुंचे। यहाँ पे प्लेटफॉर्म में एक स्टॉल अवेलेबल है, देखते हैं क्या है। वड़ा सांभर, सांभर की चटनी है वैसे सब, और साथ में यहाँ पे प्याज पकौड़े हैं, आलू बोंडा है। मैं दो वड़ा पाव दे दो, दो वड़ा दे दो। ये वड़ा पाव यहाँ तक जा रही है। मैंने यहाँ वेंडर से बात की तो पता चला कि भाई जो इसमें लिंक लगता था पहले, स्लिप कोचेज लगाए जाते थे, हुबली से वो आते थे और यहाँ पर अटैच करके दिल्ली तक साथ जाते थे, वो लिंक अब बंद हो चुका है। और सेकेंड चीज़ ये, यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है, ये आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कौन सा टाइगर रिजर्व है। बाकी फिलहाल यहाँ पे अपना रिवर्सल होगा, तब आप लोग से डिपार्चर पर मिलता हूँ। और यहाँ से निकलते निकलते ही अपने को 7:30 हो चुका है, लगभग 20 से 25 मिनट ट्रेन यहाँ रुकी है। और देखिए जिस डायरेक्शन से हम आए थे ना, वो उसी में वापस बढ़ रहे हैं आगे की ओर। तो भाई कर्नाटका से विदाई हो रही है हमारी, और थोड़ी दूर तक तो खैर चलेगा, लेकिन इसके बाद हम लोग महाराष्ट्र वापस से एंटर करेंगे अब। अच्छा, ये कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर होगा, ठीक है। लेकिन इस शाम जितना खूबसूरत नज़ारा शायद ही देखने को मिले बड़े बड़े शहरों में। और अब चला जाए अंदर, क्योंकि लगभग 3-4 घंटे से हम लोग खड़े खड़े रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। खाने पीने का बहुत सारा आइटम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस शाम ने तो मिर्ची कमाल करती है, बड़े जिससे सांभर नहीं है, और ये अपने वड़ा पाव, साथ में यहाँ पे प्याज के पकौड़े, और साथ में ये शायद दाल के पकौड़े, बहुत सारी चीज़ें संदीप भाई लेके आए हैं। और संदीप भाई की वो फेवरेट दुकान है, क्यों संदीप भाई, जब भी गोवा एक्सप्रेस में, फेवरेट नहीं, गाड़ी वहीं रुकती है उसके सामने ही थी, जब भी गोवा एक्सप्रेस में आते हैं वहाँ जरूर सामान रुकती है मेरी। सोच उधर ही आता दोस्त मुंह मीठा करवाते हैं, इन्होंने मुंह करारा करवा दिया भर के एकदम। चलो भाई टेस्ट किया जाए कैसी चीज़ें, कैसी है कंधा भाजी, अच्छी है संदीप भाई, चिल्ली भाजी काम चलेगा, बाकी वड़ा पाव भी ठीक ठाक है, काम चल जाएगा, और ये सभी चीज़ ठीक है। लेकिन हाँ, ट्रेन का डिनर भी ज़रूर रिव्यू करेंगे, भले ही एक प्लेट लें पर डिनर भी ज़रूर रिव्यू किया जाएगा। ये तो बड़ा स्पाइसी स्पाइसी सा लग रहा था, इतने खूबसूरत नज़ारों के साथ इतने मज़े के खाने, जायके बांटता हिंदुस्तान। दोस्तों 7:25 से 35 का टाइम था, और यहाँ पे 8:20 से ज़्यादा का समय उसके, और हम लोग पहुँचे हैं बेलागावी यानी बेलगाम रेलवे स्टेशन। बेला मीन्स होता है जैगरी यानी गुड़, गावी मीन्स होता है गाँव। शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, साथ साथ गुड़ के प्रोडक्शन के लिए भी, इसे नाम बेलगावी पड़ा है। स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है, और अपनी ट्रेन यहाँ पे पहुँची है, खाने पीने की सब्जी आपको स्टेशन में मिल जाएगी, यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर गुड़ बनता है, फिर तो ये लोग मुँह मीठा करवाते हैं हिंदुस्तान का। अब रात कैरी हो रही है, ये भी एक अलग नज़ारा है। लाइट बंद हो गई, ट्रेन अंधेरे में चली गई है। तो गाइस यहाँ पे आ चुकी है अपनी गोवा एक्सप्रेस की 100 रुपए की थाली, देखें इसका कैसा है स्वाद। हाँ एक चीज़ है कि इसमें मटर वगैरह पड़े हैं दिख रहे हैं, साथ में आलू की सब्जी है, एक छोटा सा पनीर का टुकड़ा कहीं पे है, और यह है दाल, देखते हैं स्वाद कैसा है इसका। इंडिया में पनीर बहुत खाई जाती है, स्वाद कैसा है इसका, वैसे तो अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी सब्जियों में काफ़ी जगह देखने को मिली है। क्या कोई बुनियादी चीज़ है ये बताइएगा ज़रूर। 10 में 8 रेटिंग देना चाहूँगा, खाना वाकई में अच्छा है, देखने में भी बहुत मज़े का लग रहा है, दाल का भी घरेलू स्वाद आ रहा है। हाँ सब्जी ऐसी लग रही है बाहर की है, लेकिन स्वाद काफ़ी अच्छा, और इतने में आपको एक पिकल भी मिल रहा है, उस हिसाब से वर्थ है। ट्रेन जर्नी के दौरान आपको सादा खाना मिल जाए और क्या चाहिए। इसी साथ मैं फिनिश करता हूँ डिनर को, बेलगाम वगैरह निकल चुका है, मेरा जाने में काफ़ी समय है, और पुणे हमको सुबह 4 बजे उतरना है, एक प्रॉपर नींद की ज़रूरत है। देखते ही देखते ज़्यादा समय तो नहीं लगा, और हम पहुँच गए हैं मेरठ जंक्शन। मेरठ से लातूर की ओर लाइन जाती है, कोल्हापुर की ओर लाइन जाती है, और साथ साथ हम लोग आ रहे हैं अभी बेलगावी वाली लाइन से, और बढ़ेंगे हम लोग पुणे वाली लाइन से। काफ़ी बड़ा और इम्पोर्टेंट जंक्शन है इस रूट का। मुंबई से पुणे शक्कर का जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि शुगर केन का प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। यहीं पे हमारी क्रॉसिंग हुई गोवा एक्सप्रेस से, जो कि गोवा की ओर जा रही थी, दिल्ली से आ रही थी, और उसी समय में हम लोग अब मेरठ जंक्शन से भी चल चुके हैं। मुंबई से पुणे तो सिर्फ 150 किलोमीटर के आसपास है। अगले दिन की शुरुआत हमारी सीधा पुणे से होने वाली है, क्योंकि अब रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 3:30 बजे हमें उठना भी है।
मिलता हूँ कल सुबह आप लोगों से सीधा पुणे जंक्शन। बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और अगर मैं फिर से वही अल्फाज दोहराऊंगा तो आप कहेंगे कि हर बार एक ही बात रिपीट करता है, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज़ है। और ये हकीकत है कि ये जब भी हम कोई नई ज्वेलरी देखते हैं तो वो पिछली ज्वेलरी से ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है, और देखने के बाद ऐसा लगता है कि बस अब इससे खूबसूरत हिंदुस्तान में देखने को कुछ नहीं बचेगा। लेकिन फिर जब अगले सफ़र पर रवानगी होती है तो वो नज़ारे पिछली वीडियो से या पिछले नज़ारों से भी ज़्यादा खूबसूरत बन के सामने आते हैं। बिल्कुल यही एहसास मुझे दूध सागर का वाटरफॉल देख के हो रहा है। जब दूर से उस वाटरफॉल को देखा तो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग नज़ारे थे, लेकिन जब करीब आए तो वो वाटरफॉल उतनी बड़ी या उतनी विशाल नहीं लग रही थी। लेकिन मेरा ख्याल था कि शायद वाटरफॉल के नज़ारे कई काफ़ी देर तक जारी रहेंगे, लेकिन वो नहायत ही मुख्तसर थे। खैर, दूर से उसका नज़ारा वाकई बहुत ज़बरदस्त था, और किसी ने बहुत सोच समझ के उसका नाम दूध सागर रखा है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि उसका नाम वाइट कलर के पानी की वजह से, या जब उस तरह पानी के बहाव की वजह से जो रंग सफ़ेद हो जाता है उसकी वजह से इसका नाम दूध सागर रखा गया होगा। वैसे अगर इस वजह से नहीं है तो मेरी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा। और ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी वास्को डी गामा से। उस नाम के ऊपर भी मुझे अच्छा खासा ताज्जुब हो रहा था कि वास्को डी गामा तो पहला यूरोपियन था जो पुर्तगाल से समुद्री रास्ते हिंदुस्तान पहुँचा था। खैर, ये मुझे लगता है यहीं कहीं आया होगा, इसलिए इस शहर का नाम या इस कस्बे का नाम भी वास्को डी गामा रख दिया गया। गोवा की तरफ जा रहे थे, इसके साथ साथ ये कर्नाटका और महाराष्ट्र का बॉर्डर भी था। तो सारी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और इसमें जो एक थोड़ी सी इम्तियाज़ नज़र आ रहा था, थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा था पिछली ज्वेलरी की निस्बत, वो ये था कि जो ये दरख्त थे वो बहुत ज़्यादा घने और बहुत ज़्यादा बड़े थे। और टनल्स के आने का सिलसिला भी अच्छा खासा जारी और सारी रहा। बारिश ने खूबसूरती में इजाफा कर दिया। कुल मिला के फिर से कहूँगा कि ईस्टर्न घाट्स के बाद वेस्टर्न घाट्स ने भी दिल खुश कर दिया, और ये खूबसूरत नज़ारे वाकई बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ़ हैं। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहेंगे, बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करते हैं। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग ऐसे वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।